हेलो गाइस, मैं हूँ मैट टेक ज़ैप से और आज मैं रिव्यू करूँगा मैकबुक एयर 2020 का और आपको बताऊँगा कि कैसा है ये एप्पल का नया लैपटॉप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए पहले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं जो कि है प्राइस इस मैकबुक एयर 2020 की। इसकी स्टार्टिंग हो जाती है ₹93,000 से जो है इसका बेस वेरियंट, और इसमें आपको मिल जाता है 10th जनरेशन का इंटेल कोर i3 प्रोसेसर 1.1 GHz की स्पीड के साथ विद 256 GB ऑफ SSD स्टोरेज एंड 8 GB ऑफ रैम। और कुछ ₹30,000 ज़्यादा का है उसका अपर वेरिएंट, जिसमें आपको मिलेगा एक बहुत डिसेंट 10th जनरेशन का ही i5 प्रोसेसर जिसकी क्लॉक स्पीड है अगेन 1.1 GHz और ये 512 GB की स्टोरेज के साथ आता है, और इसमें भी आपको 8 GB की रैम मिलती है। इसकी प्राइस है ₹1,23,000 और मैं इसी वेरिएंट का आज रिव्यू कर रहा हूँ। अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो ये एग्जैक्टली 2019 की मैकबुक एयर जैसा ही है, जो कि एक बहुत ही लाजवाब डिज़ाइन है। ये कंप्लीट एल्यूमिनियम कंस्ट्रक्शन के साथ आता है और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बहुत ऑसम है। आप जितना प्राइस पे कर रहे हैं उसका 100% जस्टिस करता है। ये लैपटॉप यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील होता है और बहुत ही स्टर्डी फील है इसकी, और मेरे हिसाब से इसको आज भी मार्केट में मोस्ट गुड लुकिंग लैपटॉप कहना गलत नहीं होगा। थिकनेस में ये लैपटॉप लास्ट जनरेशन वाले मैकबुक एयर से थोड़ा सा ज़्यादा है, बिकॉज एप्पल ने इसमें वापस से सीजर कीबोर्ड का इस्तेमाल किया है जिसको हम मैजिक कीबोर्ड के नाम से भी जानते हैं, पर उसके बावजूद भी ये बहुत थिन फील होता है इन कंपैरिजन टू एनी अदर लैपटॉप इन द मार्केट। और ये बहुत लाइट वेट भी है क्योंकि इसका वेट सिर्फ 1.29 किलोग्राम्स है, जबकि लास्ट जनरेशन मैकबुक एयर 1.25 किलोग्राम्स का था। तो ये थोड़ा सा हैवी है इन कंपैरिजन, पर वो आप नोटिस भी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत नेगलिजिबल सा डिफरेंस है ये। डिस्प्ले इसका बहुत ही शानदार है, ये 13.3 इंच का रेटिना डिस्प्ले है और ये 2560x1600 के रेजोल्यूशन के साथ आता है। इसकी पिक्सल डेंसिटी 277 PPI है, और अगर इसकी डिस्प्ले को मैं एक वर्ड में एक्सप्लेन करूं तो वो है अमेजिंग। ये डिस्प्ले देखने में बहुत ही लाजवाब लगता है, इसका कलर प्रोडक्शन एकदम परफेक्ट है और इसकी शार्पनेस इतनी अच्छी है कि अगर मैं पास से भी टेक्स्ट को डिस्प्ले पे देखूं तो एकदम क्रिस्प नज़र आता है, कोई पिक्सलेशन नहीं फील होता। और डिस्प्ले के बेजल्स भी बहुत कम हैं जिसकी वजह से लैपटॉप का ओवरऑल साइज़ काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाता है। इसके बेजल्स का कलर एकदम जेट ब्लैक है जिससे काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है, और डिस्प्ले और बेजल के बीच जो एक गैप होता है ना वो भी नहीं दिखता। अगर आप इसके डिस्प्ले पे वीडियोस देखेंगे या कोई भी इस पे काम करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि ये शायद किसी भी लैपटॉप का बेस्ट डिस्प्ले है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसमें आपको 10th जनरेशन इंटेल कोर i5 प्रोसेसर मिलेगा 1.1 GHz की क्लॉक स्पीड के साथ, और इसमें आपको टर्बो बूस्ट भी मिल जाता है 3.5 GHz तक का, जिसका मतलब ये कि इसका CPU 1.1 GHz पे वर्क करेगा आपके नॉर्मल यूजेज में, पर ज़रूरत पड़ने पर जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गई या कोई भी हैवी टास्क हो गया ये अपनी प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज कर सकता है 3.5 GHz तक बेटर परफॉर्मेंस के लिए। इसमें रैम है 8 GB LPDDR4X जो कि बिल्कुल इनफ है एक मॉडरेट यूज़र के लिए। मैंने इसे काफ़ी यूज़ किया इन 2-3 दिन में और इस प्रोसेसर ने काफ़ी सही परफॉर्मेंस दी, इसमें मुझे कहीं भी लैग या स्लो डाउन देखने को नहीं मिला। पर वीडियो एडिटिंग के टाइम पे इसने परफॉर्म तो अच्छा करा, बट इसकी फ़ैन स्पीड थोड़ा इंक्रीज़ हो गई थी और टेम्परेचर में भी चेंज आया, जिससे पता चलता है कि लैपटॉप को अपनी फुल कैपेसिटी पर वर्क करना पड़ रहा था। तो डेली यूजेज के लिए इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। वैसे वीडियो एडिटिंग भी इस पर हो जाती है ठीक ठाक, पर अगर आप मोस्टली प्रोफेशनल यूजेज के लिए लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं तो मैकबुक प्रो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा, और अगर आपका मिक्स्ड यूजेज है तो ये लैपटॉप आपके लिए एकदम परफेक्ट है। कीबोर्ड अब इसमें आपको सीजर मैकेनिज्म वाला मिल जाता है जो कि बहुत बेटर है पुराने बटरफ्लाई कीबोर्ड से। लोगों की काफ़ी कंप्लेंट्स भी थी बटरफ्लाई कीबोर्ड को लेकर, इस वजह से एप्पल ने सीजर कीबोर्ड वापस से इसमें अब देना शुरू कर दिया है। ये कीबोर्ड ज़्यादा रिलायबल है और एक्यूरेट है और थोड़ा क्वाइट भी होता है, मतलब टाइप करते टाइम ये आवाज़ थोड़ी कम करता है।
विच इज़ अ गुड थिंग, और इस पर टाइप करना बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। एंड ऑफकोर्स आपको शॉर्टकट बटन ही मिल जाते हैं, जैसे कि स्क्रीन ब्राइटनेस, वॉल्यूम कंट्रोल और कीबोर्ड बैकलाइट कंट्रोल। ट्रैक पैड इसका मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है और ये फोर्स टच के साथ आता है, मतलब ये कि ट्रैक पैड फिजिकली प्रेस नहीं होता है, ये एक हैप्टिक फीडबैक प्रोड्यूस करता है जिससे आपको लगेगा कि आप इसको प्रेस कर रहे हैं, जैसे कि आईफोन के होम बटन्स में होता था। और आप इसका ट्रैक पैड का प्रेशर भी सेट कर सकते हैं कि कितना हार्ड प्रेस करने पर ट्रैक पैड क्लिक को रजिस्टर करेगा। तो ये फीचर मुझे बहुत अलग सा लगा और काफ़ी बढ़िया है। बैटरी की बात की जाए तो इसका बैकअप एक नॉर्मल यूजेज में एटलीस्ट 10 आवर्स तक चल जाता है, और इसके साथ आपको 30 वॉट की चार्जिंग अडैप्टर भी मिलता है जिससे इसको चार्ज होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स, जो कि बड़ी बेकार चीज़ लगी मुझे, पर बैटरी बैकअप में ये थोड़ा कंपेंसेट कर ही देता है। सिक्योरिटी के मामले में लाइक एनी अदर एप्पल डिवाइस ये बेहतरीन है। यहाँ आपको टच आईडी का फिंगरप्रिंट एक्सेस फीचर मिल जाएगा कीबोर्ड पर, जो एकदम फ्लॉलेस वर्क करता है। मुझे अभी तक तो एक बार भी इससे अनलॉक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और आप इसमें 4 फिंगरप्रिंट्स तक रजिस्टर कर सकते हैं। साउंड के डिपार्टमेंट में भी ये लैपटॉप बाजी मार जाता है। स्पीकर्स मुझे इस लैपटॉप के बहुत पसंद आए, इनकी बेस और वोकल्स दोनों एकदम परफेक्ट हैं और ये बहुत रिच साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये फ्रंट फेसिंग स्पीकर्स हैं और इनकी लाउडनेस भी इनफ है। स्पीकर्स की साउंड मैं आपको सुनाता हूँ। तो ये तो हो गई अच्छी बातें, अब आ जाते हैं इस लैपटॉप की कुछ कमियों पर। पहली कमी तो ये कि इसमें सिर्फ 2 USB पोर्ट दिए हैं, वो भी USB Type-C, जो कि मुझे इनफ नहीं लगा, क्योंकि इस रेंज के लैपटॉप में एटलीस्ट 2 नॉर्मल USB पोर्ट होने ही चाहिए अलॉन्ग विथ USB Type-C पोर्ट्स। दूसरी एक बड़ी कमी ये भी लगी कि इसका चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, इसको चार्ज होने में 2 आवर्स से भी ऊपर लग जाता है। रीज़न यही है कि सिर्फ 30 वॉट का चार्जर प्रोवाइड किया है एप्पल ने, इन्हें एटलीस्ट 65 वॉट का चार्जर देना चाहिए था। इसमें एक फ्लॉ ये भी है कि इसका फ्रंट कैमरा आज भी 720p का है, और ऑफकोर्स इसकी क्वालिटी बिलो एवरेज है। इतनी हाई प्राइस में इसमें थोड़ा डिसेंट कैमरा होना चाहिए था, क्योंकि वीडियो कॉल्स आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं। ये काफ़ी डाउन पॉइंट है इस लैपटॉप के बारे में। यूट्यूबर्स के लिए भी एक प्रॉब्लम है इस लैपटॉप में कि ये एक्सटर्नल माइक सपोर्ट नहीं करता। मैंने इसमें अपना एक्सटर्नल माइक यूज़ करने की बहुत कोशिश की, पर वो वर्क नहीं करा। मेरे पास बोया का M1 माइक है, विच इज़ वेरी पॉपुलर अमंग यूट्यूबर्स। हो सकता है इस माइक का ये स्पेसिफिक मॉडल सपोर्ट ना करता हो, पर जो भी है, मेरा माइक इस लैपटॉप पे वर्क नहीं कर रहा जो पुराने मैकबुक पे करता था, तो यहाँ मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट लगी। चलिए अब फाइनल कंक्लूजन पे आ जाते हैं। ये लैपटॉप मुझे बहुत पसंद आया। मैं इसको परफेक्ट तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी डिवाइस नहीं होता, पर जो ओवरऑल आपको एक यूज़र एक्सपीरियंस ये लैपटॉप प्रोवाइड करेगा, वो इसकी प्राइस को डेफिनेटली जस्टिफाई करता है। तो अगर आप मैक OS ट्राई करना चाहते हैं, या फिर अपनी पुरानी मैकबुक एयर से अपग्रेड करने का सोच रहे हैं, तो मैं इस लैपटॉप को आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। और ये भी बोलूँगा कि हो सके तो आप i5 वाला वर्जन ख़रीदें, जिसमें आपको परफॉर्मेंस का भी कोई इशू नहीं आएगा। सो ये था मेरा रिव्यू आपके लिए मैकबुक एयर 2020 का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।